व्रत का खाना। किसी भी घर के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जब उनके घर में किसी का रिश्ता जुड़ता है। हमारे शर्मा परिवार के लिए भी आज बहुत खुशी का दिन था जब उनके छोटे बेटे कार्तिक का रिश्ता माही से जुड़ने जा रहा था। पूरा परिवार रोके की रस्म के लिए आज माही के घर पहुंचा था। माही को अपने घर की बहू बनाकर हम आज बहुत खुश हैं। सच में हमें भी खुशी है कि हमारी बेटी का रिश्ता आप जैसे अच्छे घर में हुआ है समधन जी। माही बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे घर में तुम्हें बिल्कुल बेटे जैसा ही रखेंगे। जी आंटी जी। आंटी नहीं बेटा, अब से मम्मी कहने की आदत डाल लो। जी मम्मी जी, इसी बात पे आप मुंह तो मीठा कीजिए बहन जी, लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आज हम सबका ना व्रत है एकादशी का, हम आज कुछ भी नहीं खाएंगे। अरे वाह बहन जी, आपका परिवार तो सच में बहुत धार्मिक है। अरे बहन जी, यही तो हमारे देश की परंपरा है, व्रत त्योहार पर्व, इन्हीं सबसे तो हमारा भारत सबसे अलग दिखता है। सच में हमारा परिवार भाग्यशाली है कि हमारा रिश्ता आप जैसे अच्छे विचार वाले लोगों के साथ जुड़ रहा है। अरे भाई साहब, हमारा कार्तिक भी ऐसा ही है, व्रत रखता है, रोज शिव जी की पूजा करता है। माही बेटी भी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शर्मा परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद माही के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारी माही भी अपने होने वाले ससुराल वालों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जो इतना ज्ञानी और श्रद्धा रखता है ईश्वर में। सच में बेटा, आज जैसे कलयुग में ऐसा परिवार मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तो और, आजकल ऐसे लड़के भी नहीं होते जो पूजा पाठ करते हो। लेकिन तू बहुत खुश नसीब है, तुझे ऐसा होने वाला ससुराल मिला है। शादी के बाद मैं भी ना अपने ससुराल वालों के साथ सारे व्रत रखूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी। शाबाश बेटा, इसी तरह मन लगाकर सबकी सेवा करना। कुछ ही वक्त में माही और कार्तिक की शादी भी हो गई। दोनों परिवार भी उनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। माही का स्वागत भी उसके ससुराल में बहुत अच्छे से किया गया। आइए आइए देवरानी जी, आपका शर्मा परिवार में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू भाभी। बेटा, हमारे परिवार में किसी भी बहू का स्वागत भगवान के आशीर्वाद के साथ ही किया जाता है। आओ चलो, पहले तुम मंदिर में दिया जला लो, फिर तुम दोनों आशीर्वाद भी ले लेना। जी माँ जी। आओ मैं तुम दोनों को घर के मंदिर में ले चलती हूँ। माही का मन अपने ससुराल में आकर काफ़ी खुश था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे सच में इतना अच्छा परिवार मिला है। सच में आपका परिवार तो बहुत भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। अरे अभी तो तुम देखना, अगले महीने श्रावण मास शुरू हो रहा है ना, पूरा महीना श्रावण का व्रत करते हैं हम। अच्छा, तो फिर तो इस बार मैं भी आप सबके साथ श्रावण का व्रत करूंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम भी हमारे साथ व्रत करना। श्रावण मास हमारे प्यारे भोले भंडारी का महीना होता है, जिससे पूरा महीना उनकी भक्ति और व्रत में बीतता है। उसकी शुरुआत से ही शर्मा परिवार में शिव जी की आरती से उनकी सुबह हुई थी। आज श्रावण महीने का पहला दिन है, इसलिए आज से हम ये व्रत शुरू कर रहे हैं। इस साल तो हमारे घर में हमारी प्यारी माही भी है, इसलिए वो भी हमारे साथ व्रत रखेगी। मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस साल मैं आप सबके साथ व्रत रखने वाली हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी इस साल बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें आता है व्रत का खाना बनाना? हाँ भाभी, मुझे बहुत कुछ आता है। अच्छा, ज़रा बताना क्या क्या बना लेती हो माही तुम? मुझे व्रत में बनने वाले कटलेट, व्रत में बनने वाली आलू की सब्जी, चावल के आटे के पराठे, व्रत में खाई जाने वाली मिठाई, सब कुछ आता है। अरे वाह, सच में तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। एक काम करो, सुबह के लिए व्रत के पराठे बना दो, दिन में साबूदाना कटलेट बना दो, और रात को कुछ ज़्यादा नहीं, बस सूखे मेवे की खीर खा लेंगे। हाँ, व्रत है तो कम ही खाना चाहिए हमें, है ना? अच्छा, ये सब आज ही बनाना है? हाँ बेटा, ये सब आज का ही लिस्ट है, कल तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी कि क्या क्या बनाना है। शायद आज व्रत का पहला दिन है तो ये सब भोग लगाते होंगे, इसलिए इतना सब बनवा रहे हैं। कोई बात नहीं, कल से तो बस एक ही वक्त का व्रत का खाना बनेगा शायद। माही ने बड़े ही दिल से उसकी सास ने जो कुछ कहा था सब कुछ बना दिया, और सबने अच्छे से पेट भर के खाया भी। ओह, सच में बहुत मज़ा आ गया माही तुम्हारे हाथ का व्रत का खाना खाकर। थैंक यू भैया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि व्रत में इतना सब बन जाता है। मैं भाजी बनाती थी, लेकिन तुमने तो सब कुछ अलग ही अंदाज में बना दिया। अरे मेरी माही बेटी है ही इतनी गुणी। थैंक यू माँ जी।
अच्छा माही बेटा, कल ना तुम व्रत में बनने वाली मिठाई और बाकी सब चीज़ें भी बना देना। हम कल सोमवार है तो मंदिर भी चलेंगे। लगता है माँ जी कल सब कुछ मंदिर में चढ़ाने वाली हैं, इसीलिए इतना सब बनवा रही हैं। मैं इतने अच्छे से सब बनाऊँगी कि भोले बाबा खुश हो जाएंगे। माही सुबह उठते ही सब कुछ अच्छे से तैयार कर देती है। चले मंदिर? हाँ, मैंने सब कुछ तैयार भी कर दिया है। हाँ हाँ, तुमने जो भी तैयार किया है वो सब ले चलो। हाँ चलो चलते हैं। मंदिर में पहुंचकर सुमित्रा सब कुछ थोड़ा थोड़ा भोग चढ़ाने के बाद वापस आ जाती है। लगा दिया भोग आपने मम्मी जी? हाँ लगा दिया, और अब ये लो सब लोग खा लो चलो। खा लो मतलब हमारा तो व्रत है ना मम्मी जी? हाँ, तो ये व्रत में खाने वाली मिठाइयाँ है ना? हाँ व्रत में खाने वाला खाना है, लेकिन अरे क्या सोच रही हो माई, चलो पूरा महीना तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा, यही खाना है। आप सब व्रत में ये सब खाते हैं? अब बेटा श्रावण का पूरा महीना हम यही सब तो खाते हैं, कटलेट, व्रत में बनने वाली सब्जियाँ, काजू बादाम की खीर, मिठाइयाँ। अब क्या करें, श्रद्धा भी तो ज़रूरी है ना। श्रद्धा? ये किस तरह की श्रद्धा है इनकी? ये व्रत कैसा हुआ, सारा दिन तो खाते रहते हैं। लगता है माई का ये पहली बार है ना, इसलिए कोई बात नहीं, तुम्हें व्रत की आदत हो जाएगी। वो सब मंदिर में बैठकर मिठाइयाँ खा रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन ज्योति वहाँ आ जाती है जल लेकर। ये लीजिए आप सबके लिए जल। अरे ये क्या आप सब तो खा रहे? अरे हाँ ज्योति, ये सब खाना व्रत में ही तो बनता है, इसीलिए तो खा रहे हैं। क्या, अगर आप व्रत में भी इतना सब खा रहे हैं तो व्रत रखने का मतलब क्या हुआ? हम व्रत इसलिए रखते हैं कि अपने अंदर की खाने की वासना को मार सके और अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सके। लेकिन आप सब तो कभी साबूदाना टिक्की तो कभी साबूदाना खिचड़ी खाने में लगे हुए हैं, ये कैसा व्रत हुआ? माँ आंटी बात तो सही कह रही हैं। हाँ ज्योति, आज तूने हमारी आंखें खोल दी सच में, आज से हम ना सही मायने में व्रत रखेंगे। अच्छा है आप सबको अकल आ ही गई। चलो अच्छा है, देर से ही सही इन्हें समझ में तो आया। कल से हम सब अच्छे से व्रत रखेंगे। अगली सुबह माही को कोई लिस्ट नहीं दी गई थी व्रत के खाने की, उसे खुशी हो रही थी, सबने व्रत की सच्ची कीमत को समझ लिया है। माही आज से हम साबूदाना खिचड़ी, टिक्की और साबूदाना खीर नहीं खाएंगे। मम्मी जी ये आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। माही आज तुम व्रत में बनने वाले आलू की सब्जी, आलू की चिप्स और 4-5 फल काट देना, बस आज हम रात के खाने में वही खाएंगे, क्यों माँ जी? हाँ अब हमें व्रत का सही मतलब समझ में आ गया है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, इस बार हम सच्चे मन से व्रत रखेंगे। हाँ माँ, इस बार हम पड़ोस की ज्योति आंटी को दिखा देंगे कि हम साबूदाना की खिचड़ी के बिना भी रह सकते हैं। देखा बेटा कितना अच्छा भक्तिमय परिवार है तुम्हारा। हाँ माँ जी, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसे परिवार को पाकर। कितना कठोर व्रत करते हैं आप सब, सच में मेरी तो आँख ही भर आई है। कहीं आप सब कमजोरी तो महसूस नहीं कर रहे ना इस तरह व्रत रखकर? अरे बेटा हम तो श्रद्धा के भूखे हैं, बस ये व्रत का खाना तो बस यूं ही खा लेते हैं। हाँ यूं ही। तो बताइए आपके यहाँ व्रत के खाने में क्या क्या बनता है? सिमरन का एक ही सपना है, पर न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। सिमरन के माता पिता उसकी उम्र को देखते हुए उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगते हैं। सिमरन के बापू, ए बस मारी छोरी की शादी हो जाए, मैं देवी माँ के दर्शन करने जाऊं। रे भगवान, तू क्यों टेंशन ले रहे है, मारी छोकरी के वास्ते एक से एक छोरे के रिश्ते आएंगे। बापू मन्ने अभी शादी ना करनी, अभी तुम्हारा सपना भी पूरा ना होया। रे छोरी थारा दिमाग तो खराब ना हो गया, मारी नाक कटाएगी के भरे समाज में। सिमरन के बापू आप कल ही छोरे वालों को बुला लो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करो और ससुराल भेजो। सिमरन की बहुत जिद करने पर भी उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन सिमरन को लड़के वाले देखने आते हैं, उन्हें सिमरन एक ही नजर में पसंद आ जाती है। लड़के की माँ यामिनी थोड़े खुले विचारों वाली होती है, इसलिए वो सिमरन से पूछ लेती है, बेटा सिमरन आपको अगर अपना कोई सपना या आगे पढ़ाई पूरी करनी है तो आप मुझे खुल के इस बारे में बता सकती हो। अरे समधन सा कैसी बात कर रहे हो आप,
हमने तो अपनी छोरे को खूब पढ़ा दिया। और रही बात सपने की, तो सिमरन का तो ऐसा कोई सपना कदी रहा कोणी। सिमरन की माँ अपनी चतुराई से बात को संभाल लेती है। सिमरन बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ उसका बचपन का सपना एक ही पल में कुचल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की शादी का दिन आ जाता है। सिमरन शादी के जोड़े में सुंदर तो लगती है, पर उसके चेहरे से उसके अंदर की उदासी साफ नजर आती है। ये देख के उसकी सास यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, सिमरन कुछ उदास सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ समधन सास, सब ठीक है। वो शादी के बाद अपने माता पिता से दूर जाने की वजह से उदास है, और कुछ बात ना है। यामिनी अपनी समधन की बात मान लेती है और शादी की रस्में पूरी करने लगती है। आखिर शादी संपन्न हो जाती है और सिमरन की विदाई हो जाती है। अपने ससुराल आने के बाद भी सिमरन के चेहरे से उदासी नहीं जाती। ये सब देख के उसका पति विकास उससे पूछता है, क्या हुआ सिमरन, सब ठीक तो है? तुम कुछ उदास लग रही हो। ना कुछ ना, वो मन ने अपने माँ बापू की याद सता रही है, और कोई बात ना है। अगर यही बात है तो मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाता हूँ। अगले दिन विकास और सिमरन तैयार होकर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सिमरन अपने माता पिता से मिलती है। शाम होने से पहले वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, पर अभी भी विकास को सिमरन कुछ खास खुश नहीं लगती। ये देख के विकास अपनी माँ के पास जाता है। माँ, जब से शादी हुई है सिमरन काफी उदासी रहती है, क्या ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है? बेटा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ मैंने भी उसे काफी गुमसुम और उदास ही देखा है। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमरन के माता पिता ने हमसे कोई बात छुपाई हो जिसके चलते सिमरन उदास हो? मुझे लगता है कोई तो बात जरूर है। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं सिमरन से बात करती हूँ। ये कहकर यामिनी सीधा सिमरन के पास जाती है। यामिनी को अपने कमरे में देखकर सिमरन थोड़ी सहम सी जाती है। सासू माँ, आप यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेते। नहीं नहीं सिमरन, ऐसा कोई काम नहीं है, हम तो बस यूं ही अपनी बहू के साथ थोड़ा समय बिताने आ गए। कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नाना सासू माँ, ये आप क्या बोल रहे हो, आप बीमारी माँ ही तो हो। नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी इस उदासी का कारण हमें जरूर बताती। ये बात सुन के सिमरन चुप हो जाती है। यामिनी समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जो सिमरन शादी से पहले उसे बताना चाहती थी पर किसी वजह से नहीं बता पाई। यामिनी बातों को घुमाना शुरू करती है, कुछ अपने बारे में बताती है, कुछ सिमरन अपनी सास को अपने बारे में बताती। दोनों के बीच खूब सारी बातें होने लगती है, या यूं कहिए कि दोनों सास बहू अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बातों ही बातों में सिमरन अपने बचपन के सपने के बारे में भी अपनी सास यामिनी को बता देती है। वो सासू माँ, मारा एक सपना है, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, पर अब ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। ये कैसी बात करती हो, मैं हूं ना, तुम्हें तुम्हारा सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। और मेरी बहू इंस्पेक्टर बने, इससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? क्या सच सासू माँ, आप सच कह रही हो? सिमरन अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। बस फिर क्या था, सिमरन का इंस्पेक्टर बनने का सफर शुरू हो जाता है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं पर सिमरन हार नहीं मानती। धीरे धीरे सब सिमरन को डीमोटिवेट करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं, पर यामिनी अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ती। आखिर वो दिन आ जाता है जब सिमरन इंस्पेक्टर बन जाती है। सब बहुत खुश होते हैं पर सिमरन के माता पिता अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। फिर एक दिन, सिमरन के बापू, घर में चोरी हो गई, मारे सारे गहने ले गए, यहाँ तक कि खूंटे ते बंधी भैंस और गाय ने भी चुरा ले गए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं इतना धन कैसे जुटाऊंगा? मन ने तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, खुदकुशी, अब जी के भी क्या करना है। सिमरन को भी अपने मायके में हुई चोरी के बारे में पता चलता है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ खोजबीन करने लगती है और अंत में चोरों तक पहुंच जाती है। सिमरन की सूझबूझ देख के सभी लोग बहुत सराहना करते हैं। तभी यामिनी सिमरन की माँ से कहती है, समधन जी,
आपने तो अपनी बेटी का सपना और बेटी दोनों को छोड़ दिया था, पर मैं जानती थी कि मेरी बहू बहुत काबिल है। मने माफ कर दो समधन सा, मैं अपनी छोरी की काबिलियत ना पहचान पाई। माफी ही मांगनी है तो सिमरन से मांगिए, जिसने ये जानते हुए भी कि उसके माँ बाप गलत कर रहे हैं फिर भी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। यामिनी की बात सुनकर सिमरन के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं और दोनों अपनी बेटी सिमरन से कहते हैं, मोहरे से बहुत बड़ी गलती हुई है छोरी, जो थारी काबिलियत ना पहचान सके। हाँ मारी बच्ची, हमने माफ कर दे। माँ बापू, आप मारा बुरा कौन जा सकते, मन्ने पता है आपने मारी भलाई के लिए ही मारा ब्याह कराया है और इस कारण से ही मैं आज इंस्पेक्टर बन पाई हूँ, क्योंकि आपने मारे को मारी दूसरी माँ से मिलवाया जिसने मारा साथ कदे नहीं छोड़ा। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बेटी ने पढ़ाओ ने बेटी ने बचाओ। सब सिमरन की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और सिमरन के माता पिता भी अपनी बेटी के इंस्पेक्टर बनने की खुशी में दावत रखते हैं और उसकी जीत की खुशी धूमधाम से मनाते हैं।